सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी महान सभ्यता जिसने आधुनिक जमाने से भी बेहतर जीवन जीने के तरीके खोज लिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व का माना गया है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हगड़ा नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भेड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान पर्यटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई। 1902 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया, जिन्होंने दयाराम सहनी के साथ में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक इनमें निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना अनाज का अन्नागार है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय में मिस्र के भवनों में धूप की सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना अद्भुत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी असंतुलन, बाढ़ तथा भूगर्भीय परिवर्तन, महामारी या आर्थिक कारण आदि इसके खत्म होने के कारण बताए जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नहर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में एक कमरे में 14 नरकंकाल मिले हैं, महामारी के संकेत दे सकते हैं।